खींचो भाई फोटो। बस ठीक भाई, ये रहे हमारे आदित्य भाई। लेकिन थार की ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी हिल गई। खर्चा अगर वैसे पैसा है तो करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ पैसे। चल मैं देखो, ऐसा लग रहा है मैं ट्रक में बैठा हूँ भाई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है 31 दिसंबर, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं भैया एक वीडियो का शूट करने के लिए ग्रेटर नोएडा। तो मैंने कहा चलो इस वीडियो को शूट किया जाए, मतलब जो भी अपना बिहाइंड द सीन है वगैरह वगैरह। और तो अपना दिन की शुरुआत यहीं से हो रही है भाई, ठीक है। अब निकल रहे हैं घर से, सुबह से तो कहीं निकले वगैरह ही नहीं है। अभी निकल रहे हैं, पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं। साले कैसे घुसा देते हैं यार गाड़ी यार। तो भाई दिन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब दिन की शुरुआत क्या, दोपहर हो चुकी है, तो यहाँ से भी शुरुआत कर रहे हैं। निकल रहे हैं यहाँ से, पेट्रोल वेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, क्योंकि थोड़ा ग्रेटर नोएडा है, हमें पड़ेगा 35-38 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा जहाँ हमें जाना है। तो भाई भाई का दोस्त है, उसके पास जा रहे हैं, तो उसकी गाड़ी वगैरह शूट करेंगे। तो उसका पूरा जो कंप्लीट रिव्यू वगैरह है ना, वो आपको हमारे दूसरे चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो उसका लिंक वगैरह ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। और दूसरी बात यह है कि उसकी जो मॉडिफिकेशन आप देखोगे ना उसकी गाड़ी की, तो काफ़ी ज़्यादा आपको सूदिंग सी लगेगी। मतलब कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, ग्राफिक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, और पूरा टेंट वगैरह का ऊपर सेटअप लगा रखा है पूरा अपना ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए। अगर आप गाड़ी देख रहे हो तो वो वीडियो ना आपको काफ़ी पसंद आएगी, मतलब कि उसको देख करके आप अपना एक आइडिया ले सकते हो किस तरह की मॉडिफिकेशन करानी चाहिए। तो अभी तकरीबन बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, तो हमें वैसे तो हमें लग जाएगा 45 मिनट के आसपास ग्रेटर नोएडा, क्योंकि पेट्रोल वगैरह भी डलवाना है सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि टाइम से पहुँच ही जाएंगे जैसे तैसे। पेट्रोल तो भाई अभी पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं इसमें, तो फिर यहाँ से निकलेंगे। बोनट पे क्या? तो भाई ये पेट्रोल वगैरह तो अपना डल चुका है, ठीक है। पेट्रोल वगैरह हो गया है, अब यहाँ पे थोड़ी हवा वगैरह का देख ले क्या सीन है। तो भाई ये हवा वगैरह डल गई है, अब यहाँ से निकलते हैं। नाइट्रोजन वगैरह लिए हमने, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन ही प्रेफर करते हैं, थोड़ा सा सही रहता है, नाइट्रोजन हल्की रहती है, तो मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादा टाइम तक वो चलती है, ठीक है। तो भाई यहाँ से निकलते हैं, लोकेशन लगा फट से। हाँ चालू है ना ये? हाँ चालू है। अब यहाँ से भाई फटाफट निकलते हैं। तो भाई ये अभी हम ना एक्सप्रेस वे पकड़ने वाले हैं, जो अपना नोएडा ग्रेटर नोएडा वाला है, तो वहाँ पे चलते हैं। और वो हमें जो पैच पड़ेगा, अच्छा खासा लंबा पैच पड़ेगा, तकरीबन जो पैच होगा वो 27-28 किलोमीटर के आसपास का है ना सुनो, तो 27-28 किलोमीटर के आसपास का वो पैच है, वो कवर करने के बाद सीधे समझ लो अपना लोकेशन पे हम पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं भाई, ड्राइव थोड़ी सी लंबी है, अभी तो लग जाएंगे तकरीबन आधे घंटे तो उसी लग जाएगा पहुंचने में एटलीस्ट। बाकी वेदर सही है यार, आज धूप है सही सही सी। वैसे अगर आप ड्राइव करोगे मतलब बाइक वगैरह से जाओगे तो हो सकता है ठंड सी महसूस हो, अगर आप गाड़ी वगैरह से जा रहे हो तो क्या होता है शीशे वगैरह बंद करो तो हवा वगैरह आती नहीं है, तो बस ये धूप लगती है, तो थोड़ा सा गर्मी गर्मी से महसूस होती है। बाकी सही है, वेदर अच्छा है। और ये अपना इस साइड में अपना मायावती पार्क पड़ जाता है, और ये अपना पूरा क्या है, नाला सा है, जमुना बोलेंगे इसको, तो नाला ही है, ठीक है। इसको ऐसे बंद कर, क्योंकि ना बाहर से नॉइज़ आती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ओवरटेक करने वाले बंदे रहते हैं, उनको भी भगाना ही पड़ेगा लगता है। तो भाई ये अपना हम आ चुके हैं, ये देखो शायद आपको दिख रहा होगा, ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। ग्रेटर नोएडा में एंटर कर चुके हैं भाई साहब। अभी भी यहाँ से तकरीबन हमें लगेंगे 24 मिनट। तो भाई अब हमने जो है परिचौक में क्रॉस कर चुका है, ये देखो अभी जो लोकेशन जो है 19 मिनट हम पीछे हैं, मतलब 19 मिनट हमें लगे हैं वहाँ पहुँचने में, क्योंकि गूगल मैप दिखा रहा है। तो हम वहाँ लोकेशन में चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया और भाई ने भी खैर बताया आपको, जिस शूट पे हम जा रहे हैं, जो गाड़ी है इसका शूट करना है, ठीक है। जैसे सुबह डिले हो गया था हमारा शूट, तो खैर जल्दी हम पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया है, तो ठीक है वेट करते हैं ट्रैफिक कभी खुलने का। और एक चीज़ है ना भाई, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा से आ रहा था, हमें गोल चक्कर बड़े मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो एक गोल चक्कर आ गया, आपको गोल चक्कर से टर्न वगैरह मिलेगा। लेकिन मेरा ग्रेटर नोएडा ना अच्छी जगह लगती है ना, रहने लायक जगह है ग्रेटर नोएडा। कोई भी गोल चक्कर से अगर आपने गलत कट ले लिया तो फिर पहुंच लो, समझ लो आधा घंटा पीछे आ गए फिर।
कुछ कुछ ऐसे गोल चक्कर, बस थोड़ा सा ध्यान से। बाकी रहने लायक यार ग्रेटर नोएडा, इतनी ग्रीनरी वगैरह मिलती है। हो सकता है कि शाम के टाइम मतलब 8-9 बजे के बाद थोड़ा सुनसान हो जाता हो, लेकिन इस साइड में जो है ना यहाँ पे प्री चौक के इस ये वाला जो एरिया है यहाँ पे तो खैर आपको ना ठीक ठाक ही मिलेगी, मतलब कि लोग वगैरह दिखते रहते हैं और स्ट्रीट लाइट वगैरह भी ठीक तरह से काम ही करते हैं यहाँ पे सब कुछ। बट थोड़ा अंदर की साइड में आप चले जाओगे ना यहाँ पे, तो वहाँ पे हो सकता है कि रात के टाइम पे थोड़ा सा सुनसान हो जाए, बट तो सब कुछ ठीक है। तो रहने लायक जगह है यार ग्रेटर नोएडा, सही है, अच्छा लगता है। तो भैया ये हम पहुँच गए ऑलमोस्ट, मतलब कहाँ है अभी, रोड तो भाई काफ़ी ख़राब हो रखी है यहाँ पे, और मतलब जो भी है इसी के आसपास ही है। कितना 10 मिनट रह गया होगा, 9 मिनट ना, हाँ सही एकदम, क्योंकि यहाँ पे ना आई थिंक कुछ ना काम चल रहा है रेलवे वगैरह का, यहाँ है ना एंट्री। हो गया भाई, अब हो गया, फोटो खींचना है, खींचो खींचो भाई फोटो। वैसे कभी कभी ऐसा होता है विदाउट एंट्री वाले के भी अंदर घुसा देते हैं, वो तो डिपेंड करता है कैसा। इन विला को हम ना काफ़ी मतलब 4-5 साल पहले देखने आए थे यहाँ पे, तब ये विला के प्राइस ना 60-70 के आसपास थे, और अभी अगर इसको देखोगे ना तो 1 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं ये विला। बाकी यार लोकेशन सही है, 4-5 साल में ही इसके मतलब 30-40 लाख रुपये पड़ गए इस विला के, इन विला के जो देख रहे हो आस पास देखो, ये जो है ना अभी भी है रीसेल वगैरह में है। कहाँ सीधे जाना है, अभी भी आपको रीसेल वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हम पता करने आए थे यहाँ पे, कितने अगर देखा जाए तो 3-4 महीने पहले हम आए थे यहाँ पे, 5 महीने पहले, तो यहाँ पे इसके रेट जो बताए थे 1 करोड़ 1 करोड़ 20 1.2 CR बता रहे थे। इंतजार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, धूप सेक रहे हैं। और भाई कैसे हो भाई, ये रहे हमारे आदित्य भाई, तो भाई ये हमारा क्यूट सा विवान, कैसे हो आप, हाई हेलो हाउ आर यू अभी चिकन, अच्छा हाई फाई कर दो, हाई फाइव करो, हाई फाई हाई फाई पहचान नहीं, अच्छा मेरे से करो हाई फाई करो एक बार स्मॉल सा छोटा ऐसे तो कैसे करते हाई फाई। ओके तो भाई अभी ये जो है थार, ये भाई ड्राइव कर रहे हैं ठीक है, और ये भाई आपने क्या बताया पावर फिगर क्या है इसकी, ये डी मैक्स है 4x4 ईसुजू 163 BHP इसकी पावर है, 320 Nm टॉर्क है ना, 320। कितने लोग मॉडिफिकेशन वगैरह कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करा देते हैं वो देख, मतलब इसकी मॉडिफिकेशन ना काफ़ी ज़्यादा आपको सूदिंग लगेगी, सिंपल सी लगेगी, और जो भी आपके जो मॉड्स वगैरह भाई इसमें हो रखे सारे एक तरह से लीगली है ठीक है, कोई भी RC की वॉलेशन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत आपको ग्राफिक्स वगैरह लिखेगा लेकिन वो कुछ इस तरह से भाई ने करवा रखे ना, मतलब मैंने इस तरीके से इसको मिक्स करवाया ना कि वो आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगता कि बाहर से कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है। एक्चुअल में पहले थार पे मैंने ये सेटअप किया था, लेकिन थार की ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी हिल गई थी तो ऑफ रोडिंग नहीं कर पाता था, मुझे ऑफ रोडिंग का बहुत शौक है, तो उसके बाद फिर अब ओवर लैंडिंग में भी मैं शिफ्ट हो रहा था धीरे धीरे, तो ओवर लैंडिंग के लिए फिर मैंने ये गाड़ी ली जिसपे मैंने ये पूरा सेटअप किया है, और मुझे मतलब मॉडिफिकेशन तो करना था अपने अकॉर्डिंग, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना था कि मतलब वो ओवरली मॉडिफाई, टेस्टफुली मॉडिफाई करना था, तो आप थार में भी देखेंगे ये भी मॉडिफाइड है बट ये टेस्टफुली मॉडिफाइड। ये जैसे ये ब्लैक कलर की गाड़ी थी, इसको मैंने ग्रीन का एक्सेंट दिया है, और तो ये ब्लैक और ग्रीन में हो गई, ये ग्रीन कलर की गाड़ी थी इसको मैंने ब्लैक का वो दिया है एक्सेंट दिया, तो ठीक है एक्चुअल में दोनों का कलर ऑलमोस्ट सेम ही है, ये ग्रीन है वो ब्लैक है ठीक है। और एक चीज़ बता दो भाई, इनके ना आप व्लॉग्स वगैरह देखना ना, व्लॉग्स वगैरह भाई डाल रहे हैं ठीक है, तो जैसे अब मैं यार व्लॉग डाल रहा हूँ मेरा सेपरेट चैनल, इसी तरह भाई का है, और देखो नो आदि के नाम से ना भाई, नो आदि के नाम से ना इनका चैनल है ठीक है, नो आईडी है ना भाई, नो आईडी, नो आईडी के नाम से। और भाई ये कहाँ पे बैंड, ये ओहो भाई साहब ये देखो, इसे कहते हैं एक्चुअल क्रेज, मेरे को ऐसा लग रहा था ना, मैंने मतलब इसमें मेरे को लगा तो यार कुछ ऐसा एनवलप है कुछ, लेकिन मैंने कहा इस गाड़ी का ही होगा, लेकिन भाई यहाँ देखो अलग ही क्रेज है भाई, अलग लेवल का ये देखो भाई, लोग एक्चुअल में थार में ऐसा करवाते हैं, थार अगर जो महिंद्रा थार में देखो है हर जगह थार थार लिखा हुआ दिखता है, बट यहाँ पे आप देखो इनका क्रेज नो आईडी ठीक है, यहाँ देखो भाई ये देखो ओ भाई साहब, इसे कहते हैं अलग लेवल की भाई क्रेजीनेस ठीक है भाई, कतई जहर भाई। और ये देखो ये मेरा लोगो है, ये देखो भाई का लोगो, और ये हैशटैग है मेरा, हैशटैग नो आईडी भाई, मतलब यार क्या ही बोलूं इस गाड़ी को, मतलब कि अलग से ये आपको ना
जस्टिफाई कर रही है भाई कितना ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हैं हम, अलग है। चलो फिलहाल यार मैं अभी इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको मैं ड्राइव करूँगा और भाई चलाएंगे अपनी थार। तो इन दोनों का रिव्यू हमारे चैनल पे देखने मिल जाएगा दूसरा, तो उसमें लिंक वगैरह डाल देंगे भाई। और बाकी ना नो आईडी जो चैनल है उस पर जाके जरूर विजिट करना, क्योंकि इनके जो ड्रोन शॉट होते हैं ना, ड्रोन भी आपका वो एफपीवी वाले लेते हो, दोनों ही है ना, दोनों ही लेते हैं। तो भाई देख करके ना काफ़ी अच्छा, मतलब एंट्रो तो देखने में यार आपका ना जो इंटरेस्ट जो क्रिएट होता है ना, तो बाकी वो देखने मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम इसको ड्राइव करते हैं, क्योंकि अंधेरा भी होने ही वाला है यार, 3-4 बज गए हैं अभी, तो दिन खैर बड़े होने लगे हैं, लेकिन 5 बजे तक हमें ना दोनों गाड़ियों का ना शूट करना है, ठीक है। तो वो आपको गाड़ी के वीडियो देखने मिल जाएगी। गाड़ी देखो पूरा ऑफ रोडिंग का भाई, इसमें मटेरियल वगैरह रखा हुआ है, और इसको मैं भी रख लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है। अरे थोड़ा सा ना जब नई गाड़ी बैठता है थोड़ा सा एडजस्ट होने टाइम लगता है, एटलीस्ट 10-15 मिनट आपको ना लग जाते हैं थोड़ा सा फंक्शन को समझने के लिए। हाँ भाई, तो वही मैं देख रहा था, क्योंकि मैंने तो आगे लिखी, मैंने कुछ हुआ ही नहीं, तो खैर चलो कोई नहीं। रिवर्स के लिए आपको बिल्कुल ही, अच्छा यहाँ से ले जा करके इसको ले जा करके ऐसे ही रिवर्स में डल गया। हाँ चलो, थोड़ा सा भाई गाड़ी ड्राइव करने से पहले सबसे पहले ये होता है, आप किसी नई गाड़ी बैठ रहे हो तो थोड़ा सा फंक्शन समझ लो, एटलीस्ट 2-4 मिनट लगे तो सही है, बिकॉज आप वाइल्ड ड्राइविंग अगर ये सारी चीज़ें करोगे ना तो दिक्कत हो सकती है, अननेसेसरी खर्चा अगर आप, वैसे पैसा है तो करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ पैसे। ये फर्स्ट गियर डला है, अभी रिवर्स डला है, ओके। ओके तो भैया अभी इसको ड्राइव कर रहे हैं, हाँ निकल गई भाई, मतलब ड्राइव करने में ना गाड़ी जो लग रही है ना भाई नेक्स्ट लेवल की, मतलब फील आ रहा है कि यार फिर ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए, और ये भाई इतनी गाड़ी जो कैपेबल है ना ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए ना, मज़ा आ जाएगा आपको चला के। और डीजल ये देखो भाई, ये देखो नो आदि का यहाँ पे उसका लोगो टाइप का वो पड़ा हुआ था। तो भाई अब निकालते हैं, पीछे आ रहे हैं हमारे, थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में टाइम लग गया इस गाड़ी में, क्योंकि ना एक तो भाई गाड़ी इतनी हैवी कि अगर आप कोई छोटे, वैसे ऑल्दो मैं जो अपनी ड्राइव करता हूँ वो भी काफ़ी लंबी गाड़ी है, बट खैर इसका जो है ना अलग ही क्रेज़ है। मैं देखो ऐसा लग रहा है मैं ट्रक में बैठा हूँ भाई, अलग ही लेवल का है। चलो भाई अभी हमने ड्राइव करना स्टार्ट किया, देखते हैं कोई जगह वगैरह देख करके वहाँ पे इस गाड़ी का शूट वगैरह करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो का शूट ना, मतलब इस वीडियो जो है ना कंप्लीट आपको ना हमारे मोटर व्हील्स पे आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके इसको चेक करना, जैसे ही वीडियो आ जाएगी उसके बाद वहाँ पे जाके चेक कर लेना, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी सारी चीज़ें। और ये देखो अभी हम हैं गोल्फ फॉरेस्ट में, तो भाई ये देखो धुआं उड़ाती हुई चली गई अपने सामने से ये, ओके अच्छी खासी ऑफ रोडिंग तो यहीं पे ही हो जा रही है। तो भाई अभी इसको हम रखते हैं और इसको भगाते हैं अभी। तो हाँ मैं माउंट दिखा था, ये वाला माउंट नहीं, दूसरा वाला माउंट वगैरह आप बता रहे थे ना, तो वो वाला मतलब वो आपके 3000 के आसपास पड़ा है, ठीक है। और ये कितने ही पड़ी है, ये नीचे पीछे क्या, ये ना इसके पीछे, अच्छा। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका वीडियो भी बहुत जल्दी देखने में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे उसकी वो नहीं मिलेगी, वो खत्म हो जाएगी तब तक मंडे तक, ठीक है। तो फिर यार तकिए वगैरह भी हैं यार, तो नाइट पर इसी तरह से करते हैं भाई। भाई साहब